हेलो नमस्कार वणक्कम ए क्विक 25 मार्क्स टेस्ट ऑन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस ऑफ साइंस क्यूरियोसिटी टेक्सटबुक फॉर सीबीएसई क्लास 6। देखते हैं कि आपकी रिवीजन कितनी हुई है, कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितना समझ में आया है। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़े से लॉन्ग फॉर्मेट के हैं, दो दो मार्क के, ट्रू एंड फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड जंबल्ड अप वर्ड्स व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तो जल्दी से करते हैं, आई होप आपने तैयारी की है। मेंशन बिलो आर फाइव प्रॉपर्टीज, पांच प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं, लेकिन उसके जो आंसर्स हैं उसको स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में लिखा है। इसमें से चार मैंने आपकी बुक में से निकाले हैं। ओके, तो अगर आपने बुक के एक्सरसाइज किए हैं तो आपको ये शायद ऑलरेडी मालूम होगा। शाइनी सरफेस, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन क्लियरली, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, मिक्सेस कंप्लीटली इन वॉटर। तो शाइनी सरफेस से शुरू करते हैं। अभी यहां पर जो शब्द है 1, 2, 3, 4, 5, इन पांच शब्दों को आपको अनस्क्रैम्बल करना है। ओके, तो इसमें अनस्क्रैम्बल करेंगे तो कौन सा होगा। ओके, इसको मैं ऐसे रख लेता हूं। तो पहला है शाइनी सरफेस। ओके, तो शाइनी सरफेस का बताओ इसमें से कौन सा होगा, विच कैन बी अनस्क्रैम्बल्ड एंड वी कैन राइट इट। द करेक्ट आंसर इज दिस वन, और इसका होगा LUSTRE। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको LUSTRE, इसको ये अनस्क्रैम्बल्ड को, स्क्रैम्बल्ड को अनस्क्रैम्बल करने में बहुत मजा आता है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट games which you find in newspapers, magazines, etc. It kind of exercises your mind to get the correct formation of the word. Dusra hai, objects can be seen clearly. Agar objects clearly dikhe, to usko kya kehte hain? The correct answer is this one, aur iska sahi spelling, spelling mein mistake mat karna, is transparent. Transparent is the correct one. For this one, तो इसको unscramble करना पड़ेगा। तीसरा है occupy space and has mass। So दो हो गए, इसमें इसमें और इसमें ढूंढना है, आपको जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें the correct one is this, this is called matter, ये हो गया matter, matter। Okay, objects can be seen but not clearly, इसको क्या कहते हैं, यू शुड नो द आंसर एंड देन लुक एट द वर्ड्स कौन सा फिट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, विच इज ट्रांसल्यूसेंट। ओके, द लास्ट वन मिक्सेस कंप्लीटली इन वॉटर, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सोल्यूबल। सो दिस इज द लास्ट वन, SULUBLE। आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू बेयर इन माइंड कि आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। टेक्निकल टर्म्स में, साइंस में खास तौर से, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी टीचर उसको आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स। तो अगर आप मैटर में सिर्फ एक सिंगल टी लगाएंगे और एक टी को आप ब्रेकफास्ट के लिए खा जाएंगे तो मार्क्स भी मैडम खा जाएंगी। ओके, सो ऐसी गलती मत कीजिए। टेक्निकल टर्म्स में यू शुड नो द स्पेलिंग्स वेरी क्लियरली, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग वर्ड्स लाइक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, आई होप इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नाउ गिव रीजंस 2 मार्क्स ईच। सो द पहला क्वेश्चन इज, मैं आंसर थोड़ी देर में दिखाता हूं, the containers which are used to store materials in shops, जो दुकानों में जो बर्तन होते हैं ना, जिन कंटेनर्स में दाल हो या जीरा हो, हल्दी हो, the containers which are used to store materials in shops, more specifically at home, घर पे भी, are usually transparent, वो transparent होते हैं यानी कि आप उनके थ्रू देख सकते हैं, स्टील के डब्बों में नहीं रखते हैं, इसका कारण क्या है। और ये आपको दो चीजों के बारे में पूछा गया है, दुकान के बारे में भी, घर के बारे में भी। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ एक जगह के बारे में पूछा जाए, लेकिन मैंने जानबूझ के दोनों को इंक्लूड किया ताकि मैं आपको पूरा आंसर दे सकूं, तो आप उसमें से करेक्ट आंसर निकाल लीजिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये आई मीन डोंट गेट स्केयर्ड कि मैंने इतना लिखा है, बिकॉज ये दुकान और घर दोनों के बारे में था तो इसलिए बड़ा है। ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स अलाउ यूजर्स, यानी कि हम लोग घर पे या घर दुकान पर, दुकानदार या ग्राहक,
allow users to see what is inside without having to open them, making it convenient to quickly identify items and assess quantities for inventory management. Inventory management ka matlab kya hai? Inventory management ka matlab hai ki let's say aaj tarikh hai 19 tarikh ko दाल खत्म हो गई है. दुकानदार सोचता है दाल खत्म हो रही है तो यानी कि मेरे को दाल, तुअर दाल या अरहर की दाल या मूंग दाल मेरे को होलसेल मार्केट से और 50 किलो मंगाना पड़ेगा क्योंकि काफी लोग उसको खरीद रहे हैं तो शॉर्टेज पड़ गया. नॉर्मली पूरे महीने तक चल जाता था जितना भी मैं खरीद के लाता था 50 केजी, लेकिन इस बारी 19 तारीख को ही माल खत्म हो रहा है तो मेरे को और लाने की जरूरत है. तो अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा होगा तो उसको आसानी होगी. मच मोर एट होम, घर पे अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आप देखेंगे कि ओ नमक थोड़ा कम है, दैट मींस नमक मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा, दुकान से खरीद के लाना पड़ेगा. अगर पूरा कवर्ड होगा तो पता नहीं चलेगा, लास्ट वाले दिन सुबह चाय में चीनी डालनी होगा तो देखा जाएगा कि चीनी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला. तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इन्वेंट्री मतलब कितना सामान है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके काम आएगा. दिस इज एस्पेशली यूजफुल इन शॉप्स वेयर कस्टमर्स एंड स्टोर कीपर्स नीड टू लोकेट प्रोडक्ट्स इजिली एंड एट होम फॉर डेली टास्क लाइक कुकिंग और ऑर्गेनाइजिंग. ये समझ में आ गया. दूसरा एक और कारण है, इन द केस ऑफ फूड स्टोरेज ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हेल्प इन क्विकली चेकिंग द फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट. कि दूर से आपको देखा है कि ये फ्रेश नहीं दिख रहा है, बहुत पुराना माल है, थोड़े से कीड़े आ गए हैं, जैसे रवा, सूजी रवा वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं बारिश के मौसम में. सो ट्रांसपेरेंट होगा तो वो सब दिख जाएगा. ऑफ द आइटम्स रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज. तो ये पूरे कारण आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है. ये समझ में आ गया. दूसरा आगे चलते हैं. Why cannot a tumbler be made of cloth to store water? ये हमने chapter के दौरान भी किया था. Because cloth is not waterproof and will allow the water to seep through. तो पानी एक tumbler, I mean cloth is not like a tumbler, glass का tumbler या steel का tumbler या कोई बर्तन, तो उसमें से नीचे निकल के चला जाएगा. तो therefore water is not used for cloth is not used for storing water. Suman's mother, Suman की mother ने She wants to make the lime juice, यानी कि नींबू का पानी sweet, उसमें उसको मीठा मीठा करना चाहती है. Will she mix sugar or honey in it and why? तो किस चीज को मिक्स करने से मिठास immediately हो जाएगी, क्योंकि गर्मी का महीना है, सुमन स्कूल से आई है, उसको नींबू पानी पीना है, right? So what will she use to make it sweet immediately ताकि सुमन उसको तभी के तभी पी सके. Suman's mother will mix sugar in it because it will dissolve in water almost immediately, unlike honey which will not easily dissolve. Honey dissolve hoga lekin kafi samay ke baad dissolve hoga, itni jaldi dissolve nahi hoga. Oil dissolve nahi hoga, honey bhi kafi der tak dissolve nahi hota hai. Bahut der aap rakhenge to dheere dheere thodi si matra honey ki shahad ki mix ho sakti hai. Okay, not completely dissolve but little bit dissolve and not dissolve easily, whereas sugar will dissolve almost karenge wo pura pani nimbu pani meetha ho jayega. To is tarah se aapko answers likhne padenge. During a game of hide and seek with Anil, Sonika decides to hide behind a tree instead of behind the glass window. Kyun? Usne ek ped ke piche chipna prefer kyun kiya इसके बजाय कि वो किसी ग्लास के पीछे छिप जाए. बिकॉज द ट्री, अब ये पहला पार्ट लिख के उसके बाद बिकॉज लिखिए, मैंने यहां पर ऐसी जल्दी में लिख दिया. बिकॉज द ट्री इज ओपेक, यानी कि उसके पीछे ना, ओपेक शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि ये की वर्ड है. अगर आप ओपेक शब्द का इस्तेमाल अपने आंसर में नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. तो टेक्निकल टर्म जहां पर भी है साइंस के किसी भी चैप्टर में आपको उसका इस्तेमाल करना जरूरी है. So because the tree is opaque, cannot be seen through, and Anil will not be able to spot Sonika easily. On the other hand, the window made of glass is transparent and Anil would be able to spot Sonika easily. I am repeating again ki agar aap opaque or transparent shabdon ka istemal apne answers mein nahi karenge to aapke marks katenge. So please pay attention ki technical terms ka istemal hamesha apne answers mein kare. These are called the keywords. Fifth question. Chetan's father tells him that all that glitters is not gold. Why? Because he wants to convey. Wo ye baat ko batana chahte hain
कि नॉट ऑल मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स, सरफेसेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड टू लुक शाइनी बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ वैक्स बट दैट डज नॉट इंक्रीज देयर वैल्यू. ओके, तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, ये समझ में आ गया. तो 5 और 10, 15 मार्क का हो गया. अभी 10 मार्क का और पेपर है. ट्रू और फॉल्स, व्हील टर्न्ड पॉटरी वाज डेवलप्ड इन द सिंधु सरस्वती रीजन अराउंड 4000 BCE. क्या ये सही है या ये गलत स्टेटमेंट है? ये सही स्टेटमेंट है. रबर इज कंसिडर्ड ए सॉफ्ट मटेरियल रिलेटिव टू मेटल्स या कंपेयर टू मेटल्स. मेटल की तुलना में रबर को एक सॉफ्ट मटेरियल माना जाता है तुलना में. सो इट इज करेक्ट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओपेक मटेरियल अलाउज लाइट टू गो थ्रू. ये मैंने अभी आपको समझाया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. सैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूबल मटेरियल. सोल्यूबल मतलब जो डिजोल्व हो जाए. क्या सैंड डिजोल्व होता है? नहीं डिजोल्व होता. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. जी हां, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है. सो ये सही स्टेटमेंट है. फिल इन द ब्लैंक्स. ये 5 आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताता हूं. यू राइट द 5 क्वेश्चंस, एक साथ आप लिखिए, उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर्स सो दैट वी कैन मैच द आंसर्स. ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस. बेक्ड क्ले इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीजन गैस डैश इन वॉटर. In common language, mass is referred to as what? The method of arranging objects into groups is called what? The space occupied by water in a glass tumbler is its what? ये 5 fill in the blanks हैं. अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आपको इसके answers बता देता हूं. Okay, the first one, baked clay, is called terracotta. ये आपके textbook में है. Okay. is called terracotta. Oxygen gas dissolves in water. Okay, ये मैंने answers इसके नीचे लिखे, dissolves in water. Okay, in common language, mass is referred to as weight. In common language, भाषा में mass को हम weight बोलते हैं. कितना वजन है इसका? Weight कितना है तुम्हारा? Weight कितना है? 30 kg, 32 kg, कितना weight है तुम्हारा? Right? Then उसके बाद, sorry. The method of arranging objects into groups is called classification. This is a definition. आपसे classification का definition भी पूछा जा सकता है. इस question को उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है कि define classification. 1 mark का question पूछा जा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा. Okay. The space occupied by water in a glass tumbler is its volume. उसको कहते हैं volume. So with this we come to the end of a short, crisp टेस्ट पेपर ऑन मटेरियल्स अराउंड अस. आई होप इससे आपको मदद मिली. इसके आगे पीछे मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसमें यही हो सकता है कि कुछ को जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बोले उसको डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है. द सेम थिंग कुड बी आस्क्ड एज ट्रू और फॉल्स, राइट? तो इस तरह से आपसे जंबल्ड अप वर्ड्स उस तरह से पूछे जा सकते हैं. जो मैंने 5 सवाल आपको गिव रीजंस वाले दिए उस पर ध्यान दीजिएगा. दोस आर इंपॉर्टेंट, उस तरह के सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे इस चैप्टर में भी, बाकी चैप्टर्स में भी. धीरे धीरे आई विल डू ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ योर साइंस चैप्टर्स. डोंट बी शो सम पेशेंस, सभी किया जाएगा. सो ऑल दैट विल बी डन टू इंश्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन. टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार.